आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही, अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को तकास देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। मित्रों, मैं चुनाव घोषणा पत्र पर आने से पहले कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग ये 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है, 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29, 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से
दो एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, आईआईटी, आईआईएम, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट के अंदर जल विद्युत बड़ा विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। लगभग 22,500 करोड़ की लागत से विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हमने किया है। लगभग 1,000 मेगावाट पाकलदूल, इसके साथ शाहपुर कंडी बांध सिंचाई, रतले हाइड्रो योजना, क्रार हाइड्रो योजना, किरू हाइड्रो योजना, ढेर सारे बिजली उत्पादन के जल विद्युत के संयंत्र यहां स्थापित किए गए हैं और आने वाले दिनों में ये काम पूर्ण होते ही वो जम्मू कश्मीर को सरप्लस बजट देने वाला स्टेट बनाएंगे, ऐसा पूर्ण आयोजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कई सारे बिजली के वितरण के भी काम हुए हैं। इसके साथ हमने शांति के मोर्चे पर भी ढेर सारा काम किया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले सामाजिक सद्भाव और समरसता पर भी विषय बात रखना चाहता हूं। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चूंटनी का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई और बहनों, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी, ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्युनिसिपालिटी के चुनाव कर पंचायत की पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहां लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। पहले जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि 10% अगर वोटिंग हो जाती है तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन बनता था कि जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट वोटिंग हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं, ब्लॉक विकास परिषद के चुनावों में 98.3% और अभी जो हुआ आम चुनाव उसमें 58.46% वोट, जो रिकॉर्ड वोट है, जो बताता है कि घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ है। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहां के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूर परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7,217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2,272 पर आकर अटकी और वो 70% की कमी बताती है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया है।
और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी भारी मात्रा में कमी आई है। और इसके साथ जो आम जनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड टॉनपेल्टिंग 2010 के मानांक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी, 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल पहले 132 थी, पाकिस्तान में बैठकर हड़ताल का नारा देते थे, घाटी बंद हो जाती थी, 132 के बनाम एक भी बंद नहीं हुआ है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थी, अब जीरो है, और जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जीरो है। 30 साल के बाद घाटी में थिएटर चालू हुए हैं, रात्रि शो चालू हुआ है, और 32 साल के बाद ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए, और अभी अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है, और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से दो झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, एक दूसरी बात, भारत सरकार की 300 व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जैसे 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर उठाती है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है, इस प्रकार की 300 अलग अलग व्यक्तिगत लाभ की योजना है। 300 में से 259 में जम्मू कश्मीर देश में नंबर वन पर है। इससे मालूम पड़ता है कि पूरा परकोलेशन और हम 100% सेंचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की जनता हमें मैंडेट देती है तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले 2 साल में 100% सेचुरेशन हम कर दिखाएंगे। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाई और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहां के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में साच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे।
उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत NC के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ। हमने तय किया है जिला रजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे, जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा, और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम करें। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू गांव में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर, जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस ना आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। IT हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन IT का जम्मू में बनाएंगे। गुलबर्ग और पहलगांव में मॉडर्न टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन करेंगे। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट को हम विश्व स्तर का बनाकर जम्मू के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। रणजीत सागर बांध में झील विकास प्राधिकरण बनाकर रणजीत सागर बांध को भी पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। हमने एक नई लुक्रेटिव औद्योगिक नीति लाने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट 70 साल में हुआ था, इससे 3 गुना इन्वेस्टमेंट अब तक कश्मीर में हो चुका है, जम्मू कश्मीर में हो चुका है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की 7,000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां हैं, उनके लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। बाजारों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए लीज डीड सालों से इसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, हम उसको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। अटल आवास योजना में भूमिहीन के लिए 5 मरला भूमि राज्य सरकार की ओर से दे जाएगी, और घर बांधने का खर्चा नरेंद्र मोदी जी वहां से भेज रहे हैं, तो गरीब को भूमि भी मिलेगी, घर बनाने का खर्चा भी मिलेगा। यूटिलिटी और पब्लिक सर्विसेज के लिए एक समाधान समस्या, बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समस्या समाधान योजना लेकर बकाया बिलों पर हम बड़ी राहत देने का काम करेंगे। हर घर नल से जल में
100% सेचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में पर हाउस पर घर 10,000 रुपए की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बनाए, सीटें बढ़ाई है, मगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहां पढ़ने आए तो अतिरिक्त 1,000 नई सीटों की बढ़ोतरी सिर्फ आने वाले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहा है, ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। एडहॉक संविदा दैनिक वेतन भोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करेंगे। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत जल्द ही मेट्रो से युक्त हो जाएंगे और मेट्रो हमारे यहाँ भी होगी। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान 1,000 खंडहर हुए आतंकवाद की बलि चढ़े मंदिरों का जीर्णोद्धार और वहां अखंड पूजा हो इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टीकूलाल टपरू विस्थापित समाज पुनर्योजना में अनेक प्रकार के नए प्रावधान हम जोड़ने जा रहे हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं। और ये जो ब्लेम गेम चलता है जम्मू कश्मीर में, जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे, मगर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर ये आतंकवाद फैलाने वालों की, उसके पोषण करने वाले की जिम्मेदारी तय करेंगे। और हम पिछले वर्षों से विपरीत, पिछले वर्षों में जम्मू को अन्याय होने वाली, कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ उपासना पद्धति वालों को अन्याय करने वाली जो जनगणना हुई थी, इसको समाप्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना कराएंगे जो सबके साथ न्याय करेगी, किसी का तुष्टीकरण करेंगे। और सबसे बड़ा वादा है आतंकवाद पर जो प्रहार चालू है उसको और कड़ा कर आतंकवाद को भारत की सरहदों के उस पार भेज देंगे, यहां से आतंकवाद को हमेशा के लिए हम समाप्त करेंगे। भाई और बहनों, घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बना है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूं, कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में दो राष्ट्र, दो झंडे, दो ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है, वो फिर से घाटी में और जम्मू में
भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं, आतंकवाद के माध्यम से भय कर तीन तीन पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम जम्मू कश्मीर को देश के सबसे विकसित प्रदेशों में शुमार करना चाहते हैं। वो हमारा मादा भी है, हिम्मत भी है, कार्य योजना भी है और हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी है। मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा।